हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। क्लास थर्ड कंप्यूटर सब्जेक्ट्स के चैप्टर फाइव में चैप्टर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड 2010। तो आज हम देखेंगे इस चैप्टर्स के बुक क्वेश्चन एंड आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ए, टिक द करेक्ट आंसर। वन, व्हाट इज एमएस वर्ड प्रोग्राम? ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसर, हार्डवेयर, टूल्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए वर्ड प्रोसेसर। एमएस वर्ड प्रोग्राम क्या है? वर्ड प्रोसेसर। नंबर टू, विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ फाइल टैब? इनमें से कौन फाइल टैब का ऑप्शन नहीं है? ऑप्शन ए न्यू, बी सेव, सी कट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी कट। क्वेश्चन नंबर थ्री, टाइटल बार अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। टाइटल बार स्क्रीन पर कहाँ रहता है? ऑप्शन ए राइट, बी टॉप, सी बॉटम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी टॉप। नंबर फोर, देयर आर स्क्रॉल बार्स इन वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट में कितने स्क्रॉल बार होते हैं? ए टू, बी थ्री, सी फोर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू। वर्ड डॉक्यूमेंट में टू स्क्रॉल बार होते हैं, हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार। नंबर बी, राइट ट्रू और फॉल्स इन द बॉक्स। वन, एमएस वर्ड इज यूज फॉर ड्राइंग एंड पेंटिंग पिक्चर। एमएस वर्ड को ड्राइंग एंड पिक्चर्स पेंटिंग करने के लिए यूज किया जाता है। फॉल्स, एमएस वर्ड को हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, शेप करना, इन सभी कामों के लिए, प्रोजेक्ट वर्क बनाना, इन सभी कामों के लिए यूज़ करते हैं। सिर्फ ड्राइंग एंड पेंटिंग के लिए इसको यूज़ नहीं किया जाता है। टू, द रिवन हैज टू पार्ट्स, टैब्स एंड ग्रुप्स। ट्रू, दिस इज ट्रू। थर्ड, ए वर्ड प्रोसेसर अलाउड टू करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर। वर्ड प्रोसेसर हमें करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर करेक्ट करने की अनुमति देता है। दिस इज ट्रू। फोर, वी कांट ऐड और रिमूव आइकॉन इन क्विक एक्सेस टूल्स बार। क्विक एक्सेस टूल्स बार में हम किसी भी आइकॉन को ऐड कर सकते हैं और हटा सकते हैं। दिस इज नहीं हटा सकते हैं। दिस इज फॉल्स। हम क्विक एक्सेस टूल्स बार में किसी भी आइकॉन को हटा सकते हैं एंड रिमूव कर सकते हैं। फाइव, द हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार इज ऑन द बॉटम साइड ऑफ द वर्ड विंडो। दिस इज ट्रू। हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार वर्ड विंडो में नीचे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, फिल इन द ब्लैंक्स। वन, अ वर्ड प्रोसेसर इज अ प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। टू, अ वर्ड प्रोसेसर इज यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट। थ्री, टू स्टार्ट एमएस वर्ड फर्स्ट क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। फोर, द क्विक एक्सेस टूल्स बार इज यूज टू प्रोवाइड शॉर्टकट ऑफ फ्यू कॉमनली यूज्ड कमांड। क्विक एक्सेस टूल्स बार में कॉमनली यूज करने वाले कुछ कमांड्स को हम रख सकते हैं, उसके शॉर्टकट बना सकते हैं। नंबर डी, मैच द फॉलोइंग। फाइल टैब, द वर्ड मेनू अपीयर्स। फाइल टैब में वर्ड मेनू अपीयर्स होते हैं। टाइटल बार अपीयर्स ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन के सबसे ऊपर अपीयर्स होते हैं। रूलर, सो विड्थ एंड मार्जिन। रूलर के द्वारा हम विड्थ एंड मार्जिन को शो कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट विंडो, वेयर वी टाइप टेक्स्ट, जहाँ पर हम टेक्स्ट को टाइप करते हैं। इन सर्टन पॉइंट, अ ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन। इन सर्टन पॉइंट मीन्स अ ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन हमें ब्लिंक करता हुआ दिखता है। क्वेश्चन नंबर ई, आंसर द फॉलोइंग इन वन सेंटेंस। एक सेंटेंस में हमें इस क्वेश्चन के आंसर का जवाब देना है। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज अ वर्ड प्रोसेसर? व्हाट इज अ वर्ड प्रोसेसर?
आंसर इसका हो जाएगा, अ वर्ड प्रोसेसर इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम थ्रू विच वी कैन क्रिएट डॉक्यूमेंट। अ वर्ड प्रोसेसर इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम थ्रू विच वी कैन क्रिएट डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर टू, गिव नेम ऑफ एनी टू वर्ड प्रोसेसर। किसी भी दो वर्ड प्रोसेसर के नाम यहाँ पर हमें लिखना है। सो आंसर इज नोट पैड एंड वर्ड पैड। क्वेश्चन नंबर थ्री, राइट एनी थ्री कंपोनेंट ऑफ एमएस वर्ड 2010। एमएस वर्ड के थ्री कंपोनेंट्स के हमें नाम लिखना है। सो आंसर हो गया थ्री कंपोनेंट, टाइटल बार, स्टेटस बार एंड थर्ड हो जाएगा स्क्रॉल बार। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज अ रिवन। इसका आंसर हो जाएगा, अ रिवन इज ए सेट ऑफ टूल बार एट द टॉप ऑफ द विंडो इज ऑफिस प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ, आंसर द फॉलोइंग। इसमें हमें लॉन्ग में आंसर लिखना है। नंबर वन, राइट एनी थ्री फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर। आंसर हो जाएगा इसका, इट अलाउ टू क्रिएट डिलीट कॉपी मूव एंड रीनेम फाइल्स। नंबर टू फीचर्स, इट अलाउ टू फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स सच एज फॉन्ट, फॉन्ट साइज, कलर, टेबल इमेज एक्सेट्रा। एंड थर्ड फीचर्स इज इट अलाउ टू प्रिंट डॉक्यूमेंट। ये हमें अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की अनुमति देता है एंड ये अपने फॉर्मेट डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए फॉन्ट, फॉन्ट साइज, कलर, टेबल इमेज की अनुमति देता है। एंड इट अलाउ टू क्रिएट डिलीट कॉपी मूव एंड रीनेम फाइल्स। एमएस वर्ड में हमें यह भी अनुमति मिलती है कि हम अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकते हैं और साथ ही फाइल्स के नेम को चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, राइट द स्टेप टू ओपन एमएस वर्ड 2010। तो स्टार्ट करते हैं आंसर। टू स्टार्ट एमएस वर्ड 10, फॉलो दीज स्टेप्स। नंबर वन, वंस द कंप्यूटर इज ऑन, सबसे पहले हम कंप्यूटर को ऑन करेंगे, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, फिर स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। नंबर टू, क्लिक ऑल एप्स फ्रॉम स्टार्ट मेनू। क्लिक ऑल एप्स पर हम स्टार्ट मेनू में से क्लिक करेंगे, स्टार्ट मेनू पर ऑल एप्स पर क्लिक करेंगे। एंड थर्ड, क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 प्रोग्राम आइकॉन और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 प्रोग्राम के आइकॉन पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा एमएस वर्ड 10 स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्क्रॉल बार। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्क्रॉल बार आर प्रेजेंट इन अ विंडो। स्क्रॉल बार का क्या रोल होता है और वह विंडो में कितने प्रकार के स्क्रॉल बार प्रेजेंट रहते हैं। आंसर हो गया, स्क्रॉल बार इज द लॉन्ग थिन स्ट्रिप विथ एरो एंड अ स्लाइडिंग सेक्शन एट द एज ऑफ विंडो। स्क्रॉल बार एक पतली सी लंबी स्ट्रिप होती है एरो टाइप की जो विंडो के एंड में या साइड में स्लाइडिंग सेक्शन के रूप में रहती है जिसे हम लेफ्ट एंड राइट एंड अप एंड डाउन स्लाइड कर सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार दो तरह के होते हैं, नंबर वन हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार एंड सेकेंड वर्टिकल स्क्रॉल बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज ए बैक स्टेज व्यू इन एमएस वर्ड 10। बैक स्टेज व्यू एमएस वर्ड 10 में क्या होता है। आंसर, बैक स्टेज व्यू गिव्स यू वेरियस ऑप्शंस फॉर सेविंग, ओपनिंग, प्रिंटिंग एंड शेयरिंग योर फाइल्स। बैक स्टेज व्यू हमें विभिन्न प्रकार के ऑप्शंस देता है सेविंग करने के लिए, ओपनिंग, प्रिंटिंग एंड
अपने फाइल्स को शेयरिंग करने के ऑप्शन देता है। तो आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चंस आंसर्स बुक CBSE बुक सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस आंसर हमने बुक के सॉल्व कर चुके हैं, और हमारा नेक्स्ट वीडियो जो है चैप्टर 6 का रहेगा, नो योर अबाउट MS Word 2010। इसी के अदर्स ऑप्शन पर हम नेक्स्ट चैप्टर्स क्लास 3 की कंप्यूटर्स के लेकर आएंगे। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और बेल आइकॉन अवश्य दबाएँ। थैंक यू।